नमस्कार, केके आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। और जबलपुर में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, जो भी किसी आमजन पर प्राणघातक हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर ओमती थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जब एक युवक को अज्ञात युवकों ने मारपीट करते हुए चाकू से कोट दिया। घायल युवक का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए घायल युवक के परिजन ने बताया कि कल दोपहर में उनका नाती संदेश आहूजा अपने दोस्त प्रशांत के साथ महर्षि स्कूल मार्ग पर जा रहे थे, तभी मार्ग पर 5-6 युवक आपस में विवाद कर रहे थे। अचानक से आए युवक संदेश से उलझ पड़े और उससे विवाद करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक युवक ने अपने जेब में रखा चाकू निकाला और संदेश पर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिया। संदेश का दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और फिर मामले की जानकारी ओमती पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल संदेश को जिला अस्पताल विक्टोरिया पहुंचाया, जहां से उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिजन का कहना है कि घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके नाती को युवकों द्वारा किस निर्मता से मारा गया है। वही उम्र थी कि पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात हमलावरों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कल दोपहर में महर्षि स्कूल के सामने मेरा नाती संदेश आहूजा अपने दोस्त श्रीकांत के साथ उसके भाई को स्कूल लेने गए थे, तो वहाँ पर 5-6 लड़के आपस में वाद विवाद कर रहे थे और उन लोगों ने जो है अपने विवाद जो है करते करते जो हमारे नाती को मारना चालू कर दिया। गिरा गिरा के चाकुओं से हमला किया और उसको जो है हम घायल अवस्था में वो दोस्त उसके जाके विक्टोरिया हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भर्ती किया। चूँकि वहाँ पर समुचित इलाज नहीं हो पा रहा था, उसकी हालत गंभीर हो रही थी, इसलिए जो है वहाँ पर जबलपुर हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, ओमती थाने में जाकर के जो है 3-4 घंटे बैठे रहे। 3-4 घंटे के बाद हमारी जो है FIR लिखी गई और जो है जो दोस्त उसके साथ में था श्रीकांत मुड़िया, उसने जो है वहाँ पर FIR दर्ज करवाई। फिर वहाँ पर जो ओमती थाने की जो SI जो SK रेजक थे, उनने कहा आप कल आइएगा, इसमें अब हमने FIR जो है कर दी है और FIR की कॉपी मेरे को दी। बोले इसमें अभी धाराएं और बढ़ाएंगे, अभी अपने को जो देखना है। और वो उनके साथ में एक जो है नीलेश शुक्ला जो था, वो वहाँ से वीडियो निकाल के आया था। वीडियो उनने दिया तो जैसे ही हमने वीडियो देखा तो हमारा दिल दहल गया, रजक साहब का खुद दहल गया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।